नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीटू सक्सेस पर। और ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि डीआरडीयू के अंदर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर ढेर सारी वैकेंसी आ चुकी है, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 23 दिसंबर 2019 से स्टार्ट होने वाली है। इसके ऊपर मैं भी आपको एक पर्टिकुलर डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो फटाफट इस वीडियो को देखिए और अपने सभी डाउट क्लियर करिए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आए, डाउट्स आए और काफी ज्यादा की डिमांड्स भी आई। कुछ लोग पूछने कि इसका एग्जाम कब तक होगा, कुछ लोग पूछ रहे कि इसके लिए बेस्ट बुक बताएं ताकि हम इस एग्जाम के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर सके और इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले सके। कुछ लोग इसका टॉपिक वाइज सिलेबस की डिमांड कर रहे हैं और कुछ लोग तो यहां तक पूछ रहे हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है ताकि हम प्रॉपर टारगेट बना के इस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपके लिए एक और डिटेल वीडियो लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके ये सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूं पूरी डीप तरीके से। और साथ ही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि डीआरडीओ एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको प्रॉपर काम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लोग के डाउट आ रहे हैं और बहुत ज्यादा कैंडिडेट कंफ्यूजन में है कि डीआरडीओ एमटीएस को काम क्या करना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपका ये डाउट भी प्रॉपर तरीके से क्लियर करने वाला हूं पूरी डिटेल से। इसलिए वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिए। कुछ लोग इसके प्रमोशन के बारे में पूछ रहे हैं कि प्रमोशन कितने ईयर बाद होता है और सैलरी आपकी इसमें क्या मिलेगी और प्रमोशन किस पोस्ट पर होगा, तो सभी डाउट्स आपके इस वीडियो में डीपली तरीके से क्लियर करने वाला हूं। वीडियो जरूर थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपके लिए रहने वाले, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में, जो कि बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं कि इसका एग्जाम कब तक होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका एग्जाम होगा वो मार्च मंथ तक हो जाएगा, क्योंकि अब तक जितनी भी डीआरडीओ के अंदर वैकेंसी निकली है उनके फॉर्म की लास्ट डेट के बाद मिनिमम 1 से 1.5 महीने के अंदर ही उसका एग्जाम हो जाता है। लास्ट अभी वैकेंसी अक्टूबर में निकली थी और उसका जो एग्जाम नवंबर में हो गया। उससे पहले डीआरडीओ टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली थी, उसका एग्जाम भी 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाता है। यानी कि डीआरडीओ का एग्जाम होने में इतना टाइम नहीं लगता, फॉर्म के 1 या 1.5 महीने बाद इसका एग्जाम हो जाता है। तो एस्टिमेटेडली इसका एग्जाम मार्च मंथ तक 100% हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन करें कि आप मार्च मंथ तक इसका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर कर सके। मार्च तक आपका एग्जाम हो जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए बात करते हैं सेकंड डिमांड के बारे में, जो कि है बेस्ट बुक से रिलेटेड। बहुत ही ज्यादा लोगों की डिमांड थी बेस्ट बुक से रिलेटेड कि आपको कोई बेस्ट बुक बताऊं ताकि आप उससे प्रिपरेशन करके अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सको। तो इसका एग्जाम आपका 2 टियर में डिवाइड किया हुआ है, टियर फर्स्ट और आपका टियर सेकंड। टियर फर्स्ट में आपका रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। टियर सेकंड में आपका जनरल साइंस है, इंग्लिश है और आपका जनरल मैथ्स है। तो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि मैथ्स आपका दोनों ही टियर में रिपीट हुआ है। तो एग्जाम आपका बहुत ही जबरदस्त है, वैकेंसी बहुत ही जबरदस्त है, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आपको कुछ अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल की करनी पड़ेगी ताकि आप इसमें आसानी से सिलेक्शन ले सके। तो इस वीडियो में आपको 5 ही सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक बताऊंगा। इनमें से कुछ बुक आपके पास हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। अगर आपके पास नहीं होगी तो फटाफट परचेज करिए और अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो टियर फर्स्ट एग्जाम में फर्स्ट सब्जेक्ट आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे आपके टोटल 35 क्वेश्चन आने वाले हैं डीआरडीओ एमटीएस के एग्जाम में। तो हमेशा ही रीजनिंग के लिए आपको एक ही बुक रिकमेंड करता हूं, वह है अरिहंत का बुक, क्योंकि रीजनिंग के लिए अरिहंत के बुक से अच्छा और कोई बुक हो ही नहीं सकता। आपका बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सबसे अच्छे तरीके से ये बुक कॉन्सेप्ट क्लियर कराता है। अगर आपके पास ये बुक है तो आपको कभी भी कोई भी बुक रीजनिंग के लिए परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी खास बात यह है कि इसमें टॉपिक वाइज दिए हुए हैं और एक टॉपिक में लगभग 100 से लेकर 150 या फिर 200 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं विद सॉल्यूशन, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके अंदर दिए हुए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी एक्सपीरियंस इस बुक के थ्रू ले सकते हैं। सबसे बेस्ट बुक माना जाता है अरिहंत का रीजनिंग के लिए, तो आप इस बुक को परचेज करिए। अगर आपके पास नहीं है कोई रीजनिंग के लिए बुक तो ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट आने वाला है। अरिहंत का बुक होना जरूरी है रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए। फ्रेंड, जो भी बुक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सभी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है।
हिंदी वाले हिंदी में परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में परचेज कर सकते हैं। और इन सभी बुक्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इन्हें ऑनलाइन परचेज करके अपने घर पर भी अवेलेबल करा सकते हैं, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टीयर फर्स्ट एग्जाम का सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल अवेयरनेस के लिए वन एंड ओनली बुक है ल्यूसेंट। आप सबको पता होगा ल्यूसेंट से अच्छा बुक और कोई हो ही नहीं सकता जनरल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि सबसे डीपली और बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा आपका ये। आपको पता होगा जीके में जो अगर आपको बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ना है, आपको कोई भी डाउट नहीं छोड़ना है, तो ल्यूसेंट का बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। जितने भी आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं या फिर एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएस सीपीओ, उनके पास एक ही बुक आपको मिलेगा, वो है ल्यूसेंट का बुक, क्योंकि ये फादर ऑफ ऑल जनरल अवेयरनेस बुक माना जाता है। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है, फटाफट इस बुक को परचेज करिए, क्योंकि ये बुक ही आपका आपके एग्जाम में 30 out of 30 मार्क्स लाकर देगा। तो बेस्ट बुक माना जाता है मेरी अकॉर्डिंग। तो फाइनली आता है टीयर फर्स्ट का थर्ड सब्जेक्ट, जो कि हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो उसके लिए डॉक्टर आर एस अग्रवाल एस चंद का बुक आपके लिए इनफ है, क्योंकि ये डीआरडीओ एमटीएस का ही एग्जाम है, कोई सीजीएल का एग्जाम तो नहीं है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगा, आपको कोई ज्यादा हैवी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली सबके पास ये बुक होगा, क्यों मैं अपनी ज्यादातर वीडियो में आपको यही बुक रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इससे बेस्ट बुक आज तक बना ही नहीं। इसके अंदर आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और क्वेश्चन का सोल्यूशन बड़े अच्छे तरीके से दिया होता है, और एक टॉपिक के अंदर इसमें लगभग 200 से 300 क्वेश्चन दिए होते हैं, यानी कि जैसे कि परसेंटेज आप पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो इसमें दिए हुए हैं। तो आपका बेसिक लेवल और एडवांस लेवल दोनों ही अच्छे तरीके से क्रैक करके देगी। तो ये बुक आप परचेज कर लीजिए, मैथ्स के लिए आपको डीआरडीओ का एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग ही आएगी। तो फ्रेंड्स ये है हमारा टीयर फर्स्ट एग्जाम के लिए। अब आपका टीयर सेकंड भी होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसका टीयर फर्स्ट 100% क्रैक करोगे, तो ऑब्वियसली आप टीयर सेकंड में भी पहुंचोगे। टीयर सेकंड में आपका एक सब्जेक्ट है जनरल साइंस, जिससे आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको स्पेशली कोई जनरल अवेयरनेस के लिए बुक परचेज करनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा ल्यूसेंट का। एक ल्यूसेंट का बुक आता है स्पेशल जनरल साइंस के लिए, तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा, 120 के आसपास आपको पड़ जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपका फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिर इन्वायरमेंट, कुछ भी हो, बिल्कुल डीप तरीके से इस बुक के अंदर समझाया हुआ है। एक बुक और आता है जो कि बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, तो वो है आर गुप्ताज का बुक, जनरल साइंस के लिए ही ये आता है। इस बुक की स्पेसिफिकेशन ये है कि इसमें टॉपिक वाइज तो दिया हुआ है, थ्योरेटिकल दिया हुआ है, लेकिन उस थ्योरेटिकल के साथ क्वेश्चंस बहुत दिए हैं, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। इस बुक के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, केवल आप इसे थ्योरेटिकल स्टोरी के तरह यानी कि लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसके अंदर आपको ज्यादा डीपली दिया हुआ, यानी कि ल्यूसेंट के बुक के अंदर आप ज्यादा डीप तरीके से पढ़ सकते हो, इसमें ज्यादा डीपली नहीं दिया हुआ है, इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। तो ये बुक आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको डीपली पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है, तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगी। आप इसको भी ले सकते हैं, ये भी अच्छी है, क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस जो वो है क्वेश्चंस को सोल्व करने का वो आपका क्रैक कराएगी। तो दोनों बुक के ही लिंक मैंने दे दिए, आपकी चॉइस है। तो फाइनल टीयर टू एग्जाम में आता है हमारा जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसको आपको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, बहुत ज्यादा होते हैं 20 क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको पैरामाउंट का बुक परचेज करना पड़ेगा, शायद आपके पास होगा, क्योंकि ये बुक भी मैं आपको हमेशा ही बताता हूं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश के लिए इससे बेस्ट बुक कोई और है ही नहीं, तो मैं तो इसी को ही अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। आपके लिए बेस्ट रहेगी, डीआरडीओ के एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट रहेगी। तो अभी से आप इस बुक को परचेज कर लीजिए, और टीयर टू एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप साथ साथ करते हुए चलिए, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा टीयर वन और टीयर टू एग्जाम के बीच में, तो ये आपके लिए इंग्लिश के लिए रहेगी। तो अब बात करते हैं इसके पॉइंट थर्ड के बारे में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आऊँ इस एग्जाम का टॉपिक वाइज सिलेबस। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका इसमें टीयर फर्स्ट एग्जाम है और टीयर टू एग्जाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कवर किए जाएंगे, ताकि आप इसकी प्रॉपर्ली प्रिपरेशन कर सको। तो फ्रेंड्स बहुत सारे टॉपिक है, तो अगर मैं आपको वन बाय वन टॉपिक बताने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपके लिए ये पीडीएफ फाइल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन-कौन से आपके टॉपिक कवर किए गए हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, या फिर इंग्लिश
इंग्लिश से, कॉन्सेप्ट टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, या फिर जनरल अवेयरनेस से, कॉन्सेप्ट टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से कॉन्सेप्ट टॉपिक आने वाले हैं। तो ये सभी टॉपिक इन पीडीएफ फाइल्स में दिए हुए हैं पूरी डिटेल से, डीपली तरीके से। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ये पीडीएफ फाइल आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा सिलेबस का, डाउनलोड करिए और अच्छे से अपना डाउट क्लियर करिए सिलेबस से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, जिसमें काफी सारे लोगों ने पूछा है कि इसके टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाएगी। कुछ लोग पूछ रहे कि प्रीवियस ईयर डीआरडीओ एमटीएस की कट ऑफ कितनी गई थी। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो कोई रिकॉर्ड नहीं है कि प्रीवियस ईयर में इसका एग्जाम कब हुआ था, या फिर एग्जाम की कट ऑफ क्या गई थी, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई ऐसा टारगेट सेट करना है कि कट ऑफ इतनी जा सकती है, हमें वो टारगेट बनाना है, उससे ऊपर हमें मार्क्स लेकर आने हैं, तो मेरी अकॉर्डिंग जिसकी टियर फर्स्ट की एग्जाम की कट ऑफ जा सकती है वो लगभग आपकी मैक्सिमम 70 मार्क्स जा सकती है। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है टियर फर्स्ट, तो 70 मार्क्स आपकी कट ऑफ जा सकती है। टियर फर्स्ट एग्जाम केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ है कि इसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ में, फाइनल मेरिट में नहीं ऐड किए जाएंगे, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर ले तो आप सेकंड स्टेज यानी कि टियर टू में एंटर कर जाओगे। और वैकेंसी के, टोटल वैकेंसी के 10 times यानी कि 10 times कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। टोटल वैकेंसी 1817, उसका 10 times बैठता है लगभग 18170, यानी कि 18170 कैंडिडेट को पास किया जाएगा टियर फर्स्ट में। तो इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग 70 या फिर उससे कम भी रह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं जाएगी अगर इसको हम लॉजिक या फिर एक कैलकुलेशन की तरह निकाल के चले। तो फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखें, लेकिन आपको अपना टारगेट हाई के ऊपर हाई सेट करना चाहिए कि मुझे हाईएस्ट मार्क लेकर आने हैं। तो ये मैंने आपको कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं दी, केवल मैंने आपको एस्टिमेटेडली बताया कि ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आता है क्वेश्चन 5, जिसमें बहुत ही सारे लोग जानना चाहते हैं कि डीआरडीओ एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आखिर काम क्या करना पड़ता है, किस टाइप की जॉब होती है, प्रमोशन के चांसेस कितने, सैलरी कितनी है। तो आपका बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से ये डाउट क्लियर करने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखेगा। तो मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं कि काम क्या करना पड़ेगा आपको डीआरडीओ एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। तो इसमें कुछ काम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, प्रीवियस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे मिला है, या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो FAQ सेक्शन दिया हुआ है रिक्रूटमेंट के कॉलम में, वहां से मैंने डिटेल निकाल दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपका यही डाउट क्लियर कर दूं, DRDO MTS ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बात साफ साफ दी हुई है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। पॉइंट फर्स्ट है कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड पेपर विद इन द बिल्डिंग, यानी कि जो आपका ऑफिस सेक्शन होगा, जो बिल्डिंग होगी, उसके अंदर आपको फाइल्स वगैरह का काम करना पड़ता है, यानी कि सेल्स के अंदर से आपको फाइल वगैरह निकाल के जो आपका बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उस तक पहुंचानी, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी काम। सेकंड काम है फोटोकॉपी सेंडिंग ऑफ फैक्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करनी, आपको फैक्स वगैरह सेंड करने का काम दिया जाएगा, क्योंकि ग्रुप सी की पोस्ट है, यही आपके काम होते हैं। और पॉइंट 3 है असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक द डायरी फाइल डिस्पैच, यानी कि फाइल्स डॉक्यूमेंट वगैरह को डिस्पैच, डायरी वगैरह को डिस्पैच करने का आपका काम होगा। फोर्थ है असिस्टिंग ऑन द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर बेसिक वर्क में आपको असिस्टेंट के तौर पर काम करना पड़ सकता है। पॉइंट 5 है फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन, ऑफिस सेक्शन के अंदर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना फिजिकली, वो आपका काम होगा। 6 है अदर नॉन क्लरिकल वर्क इन ऑल यू सेक्शन यूनिट, यानी कि जो आपकी यूनिट होगी या फिर ऑफिस सेक्शन होगा उसके अंदर आपको नॉन क्लरिकल काम करना होगा। पॉइंट 7 है सेविन है डिलीवरिंग ऑफ डाक आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि जो डाक वगैरह होता है वो आपको पोस्ट वगैरह करना होता है, जो कि इतना बड़ा काम नहीं होता। 8 था हमारा वर्क रिलेटेड टू हिज ITI क्वालिफिकेशन इफ इट एग्जिस्ट, यानी कि अगर आपके पास ITI क्वालिफिकेशन है, इसके नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, 10th पास कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास ITI भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ITI है तो उनको थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट काम दिया जाता है, जो कि दिया हुआ है, अगर आपके पास ITI की सर्टिफिकेट है तो उससे रिलेटेड जो काम होता है ITI आपकी क्वालिफिकेशन से, तो वो आपको काम दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका काम होता है। काफी लोग कंफ्यूज है कि यार MTS तो प्योन होता है, प्योन नहीं होता। आपका 2016 में MTS जो SSC की वैकेंसी निकलती थी वो ग्रुप डी की वैकेंसी थी, उसको अब ग्रुप सी की कर दिया गया। SSC MTS की वैकेंसी आपके प्योन की नहीं होती, इसमें आपको यही ऑफिस सेक्शन के अंदर काम करना होता है जो मैंने आपको बताया। जो वो आप बात करें वो ग्रुप डी की पोस्ट होती है, ग्रेड डी की पोस्ट होती है, जिसमें आपको स्वीपर, कुक या फिर आपको
क्लीनर वगैरह की पोस्ट पर लगाया जाता है। ये आपकी ऑफिस सेक्शन के अंदर फ्रेश पोस्ट है। बहुत सारे कैंडिडेट से मैं मिला हूं जिन्होंने एसएससी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लिया है या फिर एनवाईकेएस एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लिया है, उनसे मिला हूं, उनकी प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल के बारे में भी पता किया है, तो बिल्कुल एकदम क्लीन आपकी जॉब रहने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रमोशंस के बारे में, यानी कि जब आपका डीआरडीओ एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा उसके मिनिमम 3 ईयर बाद आपका प्रमोशन होगा, जिसके बाद आपकी जो ग्रेड पे है वो 2000 तक हो जाएगी और जो आपकी पोस्ट रहेगी वो जूनियर असिस्टेंट तक आप पहुंच जाओगे। जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया था एनवाईकेएस उसी के बेसिस पर मैंने आपको ये बताया। वैसे प्रीवियस नोटिफिकेशंस में एसएससी के भी दिया हुआ है कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होता है एमटीएस के बाद, तो आपकी ये प्रमोशन के चांसेस है। फिलहाल आपकी सैलरी 26,000 के आसपास रहेगी विद एक्स्ट्रा और ऑल काइंड ऑफ अलोवेंसेस, तो ये आपका प्रोसीजर रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें, स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई डाउट हो या फिर कोई डिमांड हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपका कमेंट का आंसर करने की और उस पर अमल करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।